वेलकम टू योर चैनल तमाल आईटी टिप्स एंड टॉपिक्स। मैं हूं तमाल नाग। आज आपका सामने जो टॉपिक लेके आया हूं वो है एसीपी का जो सर्टिफिकेशन, एसीपी सर्टिफिकेशन एग्जाम कैसे दिया जाता है, एसीपी का जो सर्टिफिकेशन एग्जाम है उसका प्रोसेस क्या है, रूल्स क्या है, कैसे आप देंगे, एसीपी सर्टिफिकेशन एग्जाम का फीस कितना है, कैसे आप जाएंगे एसीपी सर्टिफिकेशन एग्जाम करने के लिए, आपका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कौन सा वेबसाइट में जाना है, ये पूरा डिटेल मैं देना चाहता हूँ मेरा ये वीडियो में। ये वीडियो में मैं मेरा स्किल शेयर करके आपको पूरा दिखाऊंगा एंड टू एंड कैसे एसीपी सर्टिफिकेशन एग्जाम होता है, क्या कैसे आपने ग्लोबल एसीपी सर्टिफिकेशन अचीव करोगे। तो फ्रेंड्स, आप मेरा वीडियो को पूरा देखिए एंड अगर आप मेरा चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों के साथ बात कीजिए और अगर आपको लगे इसमें कुछ ऐड ऑन करना है तो प्लीज मेरे को कमेंट कीजिए। अभी मैं मेरा स्क्रीन को शेयर करके आपको एंड टू एंड दिखाता हूँ कैसे एसीपी सर्टिफिकेशन के लिए कौन सा वेबसाइट में जाना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे सर्टिफिकेशन में जाना है, कौन सा मॉड्यूल चूज करेंगे आप, उसका क्या प्राइस है और कैसे एसीपी सर्टिफिकेशन एग्जाम दिया जाता है। और एक फ्रेंड, अगर आप एसीपी सर्टिफिकेशन एग्जाम देना चाहते हो तो आप क्या घर में बैठ के दे सकते हो, ना आपको कोई इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो फ्रेंड प्लीज लेट्स गो। अभी फ्रेंड्स मैं मेरा स्क्रीन को शेयर करता हूँ, शेयर करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे एसीपी सर्टिफिकेशन के लिए आपको कौन सा वेबसाइट में जाना पड़ेगा एंड कैसे कैसे क्या प्रोसेस है, कैसे फॉलो करना पड़ेगा। इसको दिखाने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम सेंटर में आपको कैसे क्या क्या प्रोसेस रहेगा, कैसे आपको प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स प्लीज डू नॉट स्किप द वीडियो, प्लीज वॉच द वीडियो पेशेंसली एंड केयरफुली। दोस्तों मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ, टेक्निकल वीडियो थोड़ा बोरिंग होता है लेकिन आप देखिए सबसे ज़्यादा ज्ञान इसी में मिलता है। तो चलिए पहले मैं जाता हूँ वेबसाइट में जहाँ जाके मैंने मेरा ट्रेनिंग का जो भी प्रोसेस है वहाँ स्टार्ट कर सकूँ। तो पहले हमको जाना है training.sap.com में। मैंने training.sap.com में आया, इसमें आपको यहाँ कंट्री सिलेक्ट करना है, आपको कंट्री का ऑप्शन मिलेगा। मैंने पहले भी किया उसी लिए मेरे लिए इंडिया ऑलरेडी दिखा रहा है, आप यहाँ से इंडिया को सिलेक्ट कर लीजिए। आप इंडिया सिलेक्ट कर लिया, अभी देखिए ऊपर में एक्सप्लोर कैटलॉग, एसीपी लर्निंग हब, एसीपी सर्टिफिकेशन मोड, ये तीन मेनू ऑप्शन आ रहा है। मैं यहाँ से एसीपी सर्टिफिकेशन में जाऊँगा। एसीपी सर्टिफिकेशन में जाने के बाद एसीपी सर्टिफिकेशन बाय ए वन एग्जाम अटेंड सब्सक्रिप्शन, बाय ए सिक्स एग्जाम अटेंड सब्सक्रिप्शन, दो टाइप के एग्जाम सब्सक्रिप्शन है, एक वन सिंगल अटेंड सब्सक्रिप्शन, एक मल्टीपल, मतलब सिक्स टाइम आप अटेंड कर सकते हैं। उसके बाद लिस्ट ऑफ वैलिड सर्टिफिकेशन, आज का डेट पे कौन सा सर्टिफिकेशन वैलिड है, वैलिडेट योर सर्टिफिकेशन, अगर आपके पास कोई ऑलरेडी सर्टिफिकेशन है तो वो आप चेक कर सकते हो कितना वैलिडेट है, कितना डेट तक वैलिडेट है। और स्टे करेंट में आपको अगर क्लिक करना है तो यहाँ आपका एसीपी सर्टिफिकेशन का साथ अपने आपका जो भी मतलब स्किल है अप टू डेट है वो आप आपका स्किल को अप टू डेट कर सकते हो, स्टे करेंट विथ एसीपी सर्टिफिकेशन। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग पहले चलते हैं ये बाय ए वन एग्जाम अटेंड सब्सक्रिप्शन को एक बार देखते हैं क्या है उसमें, एक ही बार अटेंड कर सकते हो आप कोई भी सर्टिफिकेशन देना चाहते हो तो। वन अटेंड तो एक ही बार अटेंड आप ले सकते हो, उसका प्राइस रहेगा लेकिन इसको मैं अलग से बाद में दिखाता हूँ। ऐसे ही मैंने जैसे यहाँ किया था तो सिक्स अटेंड में भी आप एक बार देख सकते हो क्या है। इसके बाद हम लोग लिस्ट ऑफ वैलिड सर्टिफिकेशन में जाएंगे सिक्स अटेंड,
देखिए प्राइस का डिफरेंस देखिए, वन आइटम में आपको 15,000 समथिंग देखने को मिला, सिक्स आइटम में अराउंड आपको 39,773 इंडियन रुपीस में है, और वन में हम लोग लगभग 15,000 के आसपास देखेंगे। तो आप कोई भी सर्टिफिकेशन कर सकते हो, मतलब सर्टिफिकेशन तो आपका एक ही है, अटेम्प्ट ज़्यादा है उसी लिए उसका प्राइस ज़्यादा है। इसमें देखिए 15,909 INR है इंडियन प्राइस। तो वो आपको ऊपर डिपेंड करता है आप कितना कॉन्फिडेंट हो। अगर आपको लगता है जैसे मैं एक बार में निकल जाऊँगा तो आप वन अटेम्प्ट मारिए, उसमें तो आपका डबल से ज़्यादा पैसा है, तो उसमें आपको पैसा जाएगा लेकिन इसमें रिस्क है। अगर एक बार से नहीं हुआ है तो आपको नेक्स्ट टाइम देना पड़ेगा। तो फिर भी वो आपका कॉन्फिडेंट को ऊपर है, कॉन्फिडेंस को ऊपर है, आप कैसे देना चाहते हो और आपका पास अभी आपका प्रिपरेशन कैसा है, आप मॉक दे के कैसे फील कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लिस्ट ऑफ वैलिड सर्टिफिकेशन पे अगर आप जाओगे, इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है मेरा, देखिए फ्रेंड्स अभी सर्टिफिकेशन वैलिडिटीज आ रहा है, देखिए ये सब सर्टिफिकेशन अवेलेबल है, अवेलेबल सर्टिफिकेशन। इसमें आप देखो जितना सारा सर्टिफिकेशन है सब अवेलेबल दिखा रहा है, इतना सारे सर्टिफिकेशन है। अभी आप कौन सा मॉड्यूल से हो उसी का हिसाब से आपको देना है, आपको करना है। अगर आप डेटाबेस हाना के ऊपर करना चाहते हो तो SAP हाना के ऊपर सर्टिफिकेशन, टेक्नोलॉजी एसोसिएट, सर्टिफाइड एप्लीकेशन एसोसिएट, सर्टिफाइड एप्लीकेशन एसोसिएट, इसका सब अलग अलग है। तो उसमें आपका HCM का भी है, सबका जितना मॉड्यूल है, सक्सेस फैक्टर का है, जितना मॉड्यूल है उसी हिसाब से उतना सर्टिफिकेशन है। अब लिस्ट देखिए सर्टिफिकेशन का लिस्ट कितना बड़ा है, कोई भी एक सर्टिफिकेशन को हम पकड़ लेते हैं। चलिए मैं एक खाना का ही एक बार देखता हूँ क्या है। सब मॉड्यूल का है, हर मॉड्यूल का है इसमें, देखिए SAP HCM पेरोल सब है इसमें। चलिए कोई भी एक हाना का भी एक तो क्लिक करता हूँ, सपोज ये वाला हाना सर्टिफाइड एप्लीकेशन एसोसिएट SAP हाना 2.0। अभी इसको व्यू डिटेल देखना चाहता हूँ मैं, बगल में जो कलम है उसमें व्यू डिटेल है, तो सेम रो में व्यू डिटेल को क्लिक कीजिए तो साइड में आपको दिखेगा। देखिए ये है SAP सर्टिफाइड एप्लीकेशन एसोसिएट SAP हाना 2.0, अभी 2.0 चल रहा है, यही सबसे लेटेस्ट है। तो इसमें देखिए डिलीवरी मेथड SAP सर्टिफिकेशन एसोसिएट, लेवल आपके एसोसिएट से एग्जाम 80 क्वेश्चंस रहेगा। सैंपल क्वेश्चन को अभी आप देखना चाहते हो तो सैंपल क्वेश्चन आप देखना देख सकते हो कैसा सैंपल क्वेश्चन आता है। मैं साइड वाला टैब में खोल लिया, दिखाता हूँ आपको। कार्ड स्कोर आपको 63% मिनिमम लेना ही है, मतलब 56% मिनिमम आपको अचीव करना है तभी जाके आप पास करोगे। ड्यूरेशन है 180 मिनट्स, मतलब 3 घंटे का ड्यूरेशन है। लैंग्वेज इंग्लिश, इसमें आप देखिए इसमें मैंने जो आपको बताया था ये वही है, वन अटेम्प्ट एंड सिक्स अटेम्प्ट प्राइस। देखिए CER 001 दैट मीन्स अ सिंगल अटेम्प्ट वन अटेम्प्ट, और CER 006 दैट मीन्स अ सिक्स अटेम्प्ट। तो दोनों का प्राइस अलग अलग है। डिस्क्रिप्शन, नोट्स, टॉपिक एरिया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक से आपका कितना परसेंट कवर अप होगा। क्वेश्चन जो आएगा उसमें सपोज कॉन्फिगर मॉडलिंग फंक्शन, इसमें से 12% क्वेश्चन, 100 में से 12% क्वेश्चन इसमें से रहेगा। ऐसे करके आपका जो टॉपिक एरिया है वो टॉपिक एरिया दिया गया, इसको आप एक्सप्लोर करके भी देख सकते हो, इसको आप एक्सप्लोर करके भी देख सकते हो। तो सपोज आपको एग्जाम देना है, जनरल इन्फॉर्मेशन क्या है, एग्जाम प्रिपरेशन क्या है, सब कुछ है SAP सब कुछ इतना बढ़िया से इतना अच्छा से देता है। अगर आपको इंग्लिश आता है और आप थोड़ा इंग्लिश समझ सकते हो, आप चीज़ को पूरा पढ़िए एंड टू एंड, आधा से ज़्यादा चीज़ आपको यही मतलब समझ में आ जाएगा। उसके लिए आपको और किसी का ज्ञान नहीं लेना पड़ेगा, आप पहले पढ़िए, आप देखिए, पढ़ने से बहुत सारी चीज़ हो जाता है। सेफगार्ड द वैल्यू ऑफ सर्टिफिकेशन, अगर सर्टिफिकेशन का आपका सेफगार्डिंग
बहुत सारे चीज में सेफ गार्डिंग होता है, वो आपको बताएंगे जी आपको कैसे करना है, क्या प्रोसेस है, अगर आपको लग रहा है कुछ गलत हो रहा है तो आप वहाँ से कैसे निकलोगे। तो ये पूरा है। अभी इसमें से मैं एक काम करता हूँ, दो सर्टिफिकेशन में से मैं एक सर्टिफिकेशन को एक्ट टू बास्केट करता हूँ, मैं बास्केट में ऐड करना चाहता हूँ इसको। देखिए ये सर्टिफिकेशन को मैंने बास्केट में ऐड करना चाहता हूँ। आज का डेट है एसएपी सर्टिफिकेशन, ए है प्राइस 15,909 INR। तो यहाँ से मैंने प्रोसीड टू बास्केट कर दिया। देखिए ये आपका आ गया। अगर आपका पास कुछ कैंपेन कूपन कोड है तो कूपन कोड मारिए, अगर आपको पास कुछ डिस्काउंट कूपन है, कैंपेन कूपन हो, कूपन कोड यूज़ करके आप उसको डिस्काउंट आपको मिल सकता है। तो अभी तो मैं रियल टाइम नहीं कर रहा हूँ और मेरा पास अभी कोई कैंपेन कोड व कूपन भी नहीं है, तो अगर हमको देना है तो इसी प्राइस में देना पड़ेगा। प्रोसीड टू चेकआउट, चेकआउट करने के लिए मैं प्रोसीड टू चेकआउट बटन को क्लिक किया। यहाँ आके आपको एसएपी पोर्टल का आईडी पासवर्ड चाहिए, एसएपी पोर्टल का लॉगिन चाहिए। तो मेरा पास नहीं, तो आप एसएपी पोर्टल का, आपके पास अगर लॉगिन नहीं है तो आप यहाँ से आपको इसको रजिस्टर कर सकते हो। मेरा पास एसएपी पोर्टल का लॉगिन है लेकिन उसमें से मैं अभी यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि वो कोई कॉरपोरेट का लॉगिन है तो वो मैं यूज़ नहीं करूँगा उसमें। तो मैं अगर आप लोगों को बताऊँगा फ्रेंड्स, वहाँ आपका पास अगर है तो ठीक है एग्जिस्टिंग, नहीं तो आप रजिस्टर्ड करके वहाँ से नया लॉगिन आईडी पासवर्ड दे लीजिए। वहाँ जैसे आप लॉगिन करोगे, वहाँ लॉगिन करने का बाद आपको दिखाएगा, सर्टिफिकेशन दिखाएगा, परचेस्ड सर्टिफिकेशन दिखाएगा। आप वो सर्टिफिकेशन को क्लिक करने का बाद आपको दिखाएगा, फिर आप वहाँ से उसको पेमेंट करना। अच्छा, जब आपको सर्टिफिकेशन का लिंक भेजा जाएगा, उसमें आपका मेल में सर्टिफिकेशन का लिंक आपका आएगा, तो एग्ज़ाम जब देना आपको, जब आप जब एग्ज़ाम देंगे तो अभी एग्ज़ाम देने के लिए कोई इंस्टीट्यूट में नहीं जाना पड़ता है, अभी एग्ज़ाम देने के लिए किधर भी नहीं जाना पड़ता, आप घर में बैठे बैठे एग्ज़ाम दे सकते हो। अच्छा फ्रेंड्स, मैंने इसको ओपन किया था, ये जो सैंपल क्वेश्चंस को मैंने ओपन किया था, इसमें जस्ट कुछ आपकी इन्फॉर्मेशन है, स्टार्टिंग सैंपल असेसमेंट, ड्यूरिंग सैंपल असेसमेंट, एंडिंग सैंपल असेसमेंट। तो इसको आपको थोड़ा पढ़ना है, देखना है क्या क्या बोल रहा है, और डेफिनेटली आपको गाइडेंस मिलेगा। आज का डेट में आपको यूट्यूब में, इंटरनेट में बहुत सारा गाइडेंस है। तो अगर आप घर में बैठ के एग्ज़ाम देंगे तो आप जहाँ भी बैठ के एग्ज़ाम देंगे वो एकदम क्लीन डेस्क होना चाहिए, आपका आजू बाजू में कोई भी चीज़ नहीं होना चाहिए जिससे एग्जामिनर को लगा ये थोड़ा ऑब्स्ट्रगल कर सकता है। तो आप एकदम आराम से बैठ के जब एग्ज़ाम देंगे, पहले आपको एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। आप लिंक में क्लिक करने के बाद आपका वीडियो ऑडियो में उस साइड से, एसीपी साइड से कोई रहेगा आपका, वो आपको बोलेगा पूरा एक बार रूम को दिखाइए। आप लैपटॉप का कैमरा से आप पूरा रूम को दिखा सकते हो क्या है नहीं है। फिर आपको आईडी प्रूफ देना पड़ेगा, आपका आईडी कार्ड आप यूज़ करेंगे, फिर उसका वो फोटो ले लेंगे। लेने का बाद ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा, आपका जो वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसका बाद वो आपको आपका पास क्वेश्चन आएगा, कुछ मिनट का अंदर ही आपका क्वेश्चन आ जाता है। फिर क्वेश्चन स्टार्ट करने में भी कुछ मिनट लगता है, लेकिन वहाँ से आपको बताया जाएगा, ग्रीन सिग्नल देगा या अभी आप उस चीज़ को स्टार्ट कर सकते हो। जैसे मैंने आपको दिखाया 3 आवर्स का ये क्वेश्चन, मतलब ये एग्ज़ाम है, अराउंड 80 क्वेश्चंस रहेगा, तो उसमें आप 3 घंटे में 80 क्वेश्चंस का आराम से आंसर दीजिए। आंसर देने के बाद वहाँ सबमिट बटन रहेगा, आपका पास इमीडिएटली एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन सर्टिफिकेशन आने में 2-3 दिन का टाइम लगता है, तो सर्टिफिकेशन आपका मेल पे आ जाएगा, लेकिन इमीडिएटली आपको पता चल जाएगा कि आपका क्या हुआ है, फेल हुआ है ना पास हुआ है। तो लगभग यही आपका प्रोसेस है, आपको वेबसाइट में जाना है, वहाँ जाने के बाद आपको रजिस्टर्ड करना है, आप पहले चूज़ करना है उसमें क्या कितना पैसा लगेगा, फिर उसको कैसे लेके जाना है, आपको उसमें भी बहुत सारे डिटेल है। आप सिंगल अटेम्प्ट देना चाहते हो ना 6 अटेम्प्ट देना चाहते हो,
अब कैसे करना है, जो मैंने आपको प्रोसेस बताया लगभग यही प्रोसेस है। उसके बाद आप बास्केट में ऐड कीजिए। आपका पास अगर एग्जिस्टिंग आईडी पासवर्ड है तो आप एग्जिस्टिंग आईडी पासवर्ड को यूज़ कीजिए करके एसीपी पोर्टल में लॉगिन कीजिए। नहीं तो आप आपका फेसबुक, जीमेल, गूगल अकाउंट देखे भी रजिस्टर कर सकते हो। उसका थ्रू भी आप लॉगिन करके वहाँ जो आपको परचेस सर्टिफिकेशन और जो परचेस आपका सर्टिफिकेट रहेगा, एग्ज़ाम रहेगा, तो उसका थ्रू आप एग्ज़ाम दे सकते हो। आपका पास लिंक आएगा, वो लिंक का थ्रू आप कनेक्ट करोगे जो भी आपका एग्जामिनर रहेगा उस साइट में। पहले तो दिया जाता था कोई भी इंस्टीट्यूट में जाके, ऑथोराइज इंस्टीट्यूट में जाके, अभी घर में बैठ के भी दे सकते हो। लेकिन उसका कुछ प्रोसेस है, कुछ रूल्स है जो उतना डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल रूल्स है। अभी मोस्ट ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट का ये सब में भी सेम रूल्स है। आप एकदम एक रूम का अंदर आप बैठ के दे सकते हो, लेकिन उधर कोई नहीं रहना चाहिए, कोई कैमरा नहीं रहना चाहिए, कोई ऐसा चीज़ नहीं रहना चाहिए जो आपको ऑब्स्ट्रगल करे। और एग्जामिनर को भी लगे थोड़ा वल्नरेबल है, तो एग्जामिनर आपको बताएंगे। आप आपका आईडी कार्ड से वेरीफाई भी करोगे, आपका जो भी आइडेंटिटी कार्ड है, आधार कार्ड हो सकते हैं, उसे वेरीफाई करके फिर आपका पास क्वेश्चंस आएगा। वो क्वेश्चंस के लिए आपको 80 क्वेश्चंस मिलेगा पर्टिकुलर इस सर्टिफिकेशन में। फिर आप उसको 3 घंटा आपको टाइम मिलेगा, तो आप उसको आंसर करो, एग्ज़ाम कंप्लीट करो, फिर आपका पास इमीडिएटली रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन आपका सर्टिफिकेट आने में 2-3 दिन टाइम लगेगा। तो फ्रेंड्स, यही था आज का वीडियो। अगर वीडियो को पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिए। नए जो हम मेरा चैनल पे आ रहा है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है मेरे को मोटिवेट करने के लिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको लगे कुछ ऐड ऑन करना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए गुड डे।